अब भाई मैं ब्लड रेवन वर्सेस मॉन्स्टर फेरो का चैलेंज लेने तो आ गया था, लेकिन भाई मैं सोलो में चैलेंज लेकर सबसे बड़ी गलती की। लेकिन भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 टिप्स यूज करके भाई मॉन्स्टर फेरो को इजीली मार दिया, सिर्फ और सिर्फ 3 टिप्स। तो भाई आ चुकी है कि न्यू सोलो गेम प्ले लेकर। सही बता रहा हूँ भाई, इस मैच में, आज के मैच में आप लोगों को ऐसी सिर्फ 3 टिप्स बताऊंगा, इजी टिप्स, जिससे भाई आप मॉन्स्टर फेरो को इजीली मार सकते हैं। मतलब भाई कुछ भी नहीं है, जब मेरे को पता चला ना ये टिप्स, भाई सच में मैं भी सोच में पड़ गया कि मैं भी खेलूंगा सोलो मैच। और भाई मॉन्स्टर फेरो को अकेला मारने की कोशिश करूंगा, सच में बता रहा हूँ। मॉन्स्टर फेरो जितना हार्ड दिखता है ना भाई, उतना है नहीं, बॉस उससे कई गुना ज्यादा इजी होता है। तो भाई सामने फुटस्टेप आता है। अब भाई इस बंदी की हरकत देखो भाई साहब, ये भाई ना हमें अंदर जाने दे रहा था ना बाहर निकलने दे रहा था, और भाई M24 लेके घुस गया था। इसने एक शॉट तो चिपका दिया था, लेकिन भाई मेरे पास लेवल 3 का वेस्ट था, जिसकी वजह से मैं बच जाता हूँ यहाँ पे। भाई सही बता रहा हूँ, आप ये मैच पूरी मैच देखना, क्योंकि भाई इस मैच से आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा, प्लस इसमें भाई एक बदला देखने को मिलेगा आपको। ऐसा बदला भाई देखोगे तो मजा सा आ जाएगा। खैर सामने एक बंदा दिखता है। अब भाई मैं पहले इस बंदे को मारने की कोशिश करता, लेकिन मेरा कैरेक्टर जो होता है भाई वो कुछ पिकअप करने लग जाता है, जिसकी वजह से भाई पहले मार नहीं पाता हूँ। लेकिन भाई दोबारा मैं आता हूँ और इस बंदे को बहुत इजीली मार देता हूँ। तो भाई मैं टिप्स की बात कर लेता हूँ, तो सबसे पहला जो टिप्स होगा भाई इस मैच का, सबसे पहला टिप्स वो है आपको M249 उठाना है। कोशिश करना दो उठाने की, अगर लेकिन एक तो आपको उठाना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके, ठीक है, कोशिश करना दो। खैर भैया दो की बात कर रहा तो दो गुरुदेव आते हैं जिनका दर्शन लेता हूँ। तो भाई आप बात कर लेते हो दूसरी टिप्स की, तो दूसरी टिप्स ये है कि भाई आपको जो वो होते हैं आवेश, जो ग्लास जैसे मिलते हैं जिसे पीने से भाई एक मतलब 3 सेकंड में हेल्थ बूस्ट सब फुल हो जाता है, तो वो आपको एक नेक पिकअप कर लेना, तो वो कहीं से कहीं ना कहीं से मिल जाता है, ठीक है, यहाँ चलो या फिर मॉन्स्टर फेरो के पास चलो, कहीं भी चलो एक नेक मिल जाता है, तो वो आपको एक और पिकअप करना है। मतलब दो टिप्स तो ये होगी नॉर्मली, और तो तीसरा टिप्स होगा जो सबसे मेन टिप्स होगा वो मैं आपको मॉन्स्टर फेरो के पास ही जाकर बताऊंगा, क्योंकि वहीं पर बताने वाली टिप्स है वो। अब भाई मेरे को M249 एक मिल चुका था, मैं दूसरा इधर ढूंढ रहा था, तभी मेरे को दूसरा M249 भी मिल जाता है। अब भाई इसे पिकअप करता है, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। अब भाई सही बताओ तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे पहले ही मैच है सोलो में, और पहली बार में मैं चैलेंज लेने चला जाता हूँ, और भाई फाइनली पहले मैच में मैं सक्सेस भी हो जाता हूँ। तो भाई मेरे को डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि भाई स्क्वाड में भी मार रहा है, मेरे को पहली बार में मुश्किल हो रहा था, और अभी मैंने डायरेक्ट सोलो में चैलेंज ले लिया। तो भाई अब बात कर लेते हैं तीसरी टिप्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब आप इजीली यू मार सकते हो मॉन्स्टर फेरो को। तो आपको इस डब्बे के पास आना, सबसे पहले तो बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए यहाँ पे आना है, जैसे ओपन होगा एक बार जंप करना ऊपर, और फिर भाई इधर जंप कर देना, इसको पकड़ के लटक मतलब ऊपर चढ़ जाना, ठीक है, और यहाँ पे एक वो मिल जाता है, क्या कहते हैं आबे शबाब जो भी कहते हैं इसको, ठीक है, और भाई फिर यहाँ से आकर मारना शुरू कर दो फेरो को। और भाई साहब अब जो टाइम होगा जहाँ पे भाई मॉन्स्टर भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब एंग्री मोड में आ जाता है, भाई यहाँ से बचना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे साथ देखो क्या ही होता है, भाई मैं जितना ज़्यादा मॉन्स्टर फेरो को हल्के में समझाता भाई उतना है नहीं, मेरी सबसे बड़ी गलती थी भाई, सोलो में पंगा ले लिया। अब भाई देखो ये मेरा क्या हाल करता है, और भाई साहब मैं बाल बाल बच जाता हूँ। भाई सही बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास मेडकिट हिल के होता तो बचने का कोई चांस ही नहीं होता, यहाँ पे मैं आवेश वाप पीता हूँ, और भाई मॉन्स्टर फेरो को इजीली सिर्फ और सिर्फ 3 टिप्स यूज करके भाई मार देता हूँ। और भाई सही बता रहा हूँ, ये ब्लड रेवन वर्सेस मॉन्स्टर फेरो भाई क्या ही फाइट हुआ। आप लोगों को कैसा लगा ये टिप्स और ये फाइट भाई, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और भाई अच्छे लगा तो एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। अब भाई आप लोगों को लग रहा होगा अब तो सब इजी है, कोई बात नहीं, नॉर्मली है, लेकिन सही बता रहा हूँ भाई, आगे जो एक बदला लेने वाला सीन होगा भाई, एक बंदे से बदला लेता हूँ, और भाई कैसे बदला लेता हूँ और किस सिचुएशन पे लेता हूँ भाई, वो सिचुएशन आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सीन जरूर देखना चाहिए। लास्ट में एक बंदा मीटअप करने आता है भाई, वो सीन भी आपको जरूर देखना चाहिए। अब भाई जैसे कि आप सभी को पता होगा भाई, जो मॉन्स्टर फेरो को मारा भाई, उसको मारने के बाद क्या ही लूट मिलता है। अब उधर से जल्दी से लूट करके नीचे आता हूँ, एक गाड़ी मिलता है। अब भाई वो सीन देखो आप, मैं गाड़ी लेकर जैसे ही जाता हूँ सामने की तरफ, मेरे को एक बंदा दिख जाता है,
अब भाई मैं शुरू में गलती से उधर कूद गया था, लेकिन भाई जल्दी से मैं सीट चेंज करके इधर आता हूँ। और भाई अब देखो मेरे साथ क्या ही स्कैम होगा, मैं दबे कदम चुप चुप क्रॉस होकर इधर से आता हूँ। भाई साहब फुल कवर में रहता हूँ, फुल कवर में, लेकिन भाई पता नहीं कैसे मर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे वीडियो ऑफ भी कर दिया था, लेकिन भाई मेरे को फिर दिखाता, भाई मेरे को दोबारा जीवनदान मिलता है। भाई ये मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई सोलो में भी ऐसा होता है। मतलब मेरे पास एक तितली था, जो भी होता है कीड़ा मकोड़ा, वो मेरे पास था, जिसकी वजह से मैं दोबारा रिकॉल होता हूँ। अब भाई मैंने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए उस बंदे को तो मैं मार के रहूँगा, चाहे किसी भी हालत में हो। अब भाई वो जो हाल हो गया मेरे साथ, मैं गाड़ी लेके इधर आ रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूज़ ही है। अब जैसे मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा था, सामने एक बग्गी दिखता है। अब ये बग्गी वाला देखो मेरे साथ क्या करता है। भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 2 HP, सिर्फ और सिर्फ 2 HP। मैं यहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि भाई मेरे को उस बंदे को मारना था। सही बता रहा हूँ, जब मैं खेल रहा था ना भाई, इतना ज़्यादा गुस्से में था, मैंने कहा भाई मेरी पूरी लूट ले गया, भाई उस बंदे को मार के अपनी पूरी लूट वापस करूँगा। अब भाई मेरे पास ना तो हीलिंग्स है ना तो सही गन है, क्या मैं उस बंदे को मार पाऊँगा? अब भाई मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ भाई वो बंदा अभी भी यहीं पे है। मैं जल्दी कूदता हूँ और भाई बैंडेज मारता हूँ। अब यहाँ का सिचुएशन देखो आप, अब भाई मैं इधर बैंडेज मार ही रहा था, तभी भाई पीछे से एक बंदा मिनी 14 से उस बंदे को मार देता है। अब भाई उस बंदे को तो मारता ही है, जैसे उस बंदे को मारता है भाई सामने गाड़ी आ जाती है। मैं इधर लूटने के लिए आता हूँ, भाई मेरे पास हीलिंग्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं जल्दी से इसको पेटी लूटने वाला था, लेकिन भाई वो बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। और भाई क्या ही भाई इस बंदे को मारता हूँ भाई, 10 HP भी नहीं है शायद से इस बंदे को, क्या ही भाई मारता होगा, लास्ट कोई हेड ना लगता भाई, मैं तो यहाँ पे मरता कंफर्म। अब मेरे को पता है अभी भी कि सामने मिनी वाला बंदा अभी भी है, मैं जल्दी से जाता हूँ, एक हीलिंग उठाता हूँ और भी तरह की हीलिंग कर लो, तब दोबारा जाऊँगा, तब लूटूंगा आराम से। अभी मैं इसको लूटते लूटते भाई डर बहुत लग रहा था, क्योंकि भाई वो बंदा कहीं पर मेरे ऊपर स्प्रे ना मार दे और मेरे को भी ख़त्म ना कर दे, लेकिन भाई वो बंदा मारता नहीं है। मैं जल्दी से लूट करता हूँ और भाई इधर से निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई जोन आ चुका था। लेकिन भाई ये बंदा देखो क्या ही कैंपर होता है। भाई जो मिनी 14 वाला बंदा होता भाई, वो यहीं पे कैंपिंग कर रहा था, मेरे को मारने लगा था, लेकिन भाई मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई जोन पे आ जा, वहाँ बताएंगे तेरे को। अब भाई मैं घर पे आकर यहाँ पे वेट करता हूँ, तभी भाई गाड़ी आ जाता है मेरे पास और भाई ये सीधा मेरे ऊपर रश करने लगता है। मैं जल्दी से ग्रेनेड करता हूँ सीढ़ी पे। अब भाई इस बंदे के साथ मेरा क्या ही फाइट होगा, अब देखना। ये बंदा काफ़ी शातिर होता है, मैं मुक्का मार के नीचे कूदता ताकि उसको फुटस्टेप ना आए मेरे पैरों का कि मैं नीचे कूद चुका हूँ। और भाई फाइनली भाई इस बंदे को FPP और प्रोनेंट शूट, क्या ही भाई मेरे को बचाता है। मतलब भाई क्लोज में FPP मज़ा सा आ जाता मारने में। भाई FPP में जब क्लोज में मारो ना, तो सारी गोली मतलब बॉडी पे कनेक्ट होती है, ज़्यादा चांस होता है। अब भाई मैं इस बंदे को जैसे ही मारता हूँ, सामने एक बग्गी वाला आता है, मतलब वो भाग जाता है काफ़ी दूर तक, उसको छोड़ो। भाई साहब अब जो सीन होगा अब देखना, मैं जैसे गाड़ी लेकर यहाँ पे आता हूँ, भाई एक बंदा मीटअप करने लगता है, जो कि भाई मीटअप वाले होते हैं बंदूकबाज भाई के फैन होते हैं। हेलो भाई बंदूक साथ, अब भाई उससे थोड़ी देर हाई हेलो करके भाई आ जाते, क्योंकि हम लोग को बंदे मारने थे। अब भाई 5 बंदे बचे थे, जिसमें से 2 हम 3 और, तो भाई सामने मेरे को एक नागिन दिख जाता। अब मैं इसे ये मतलब पता नहीं होने देता कि मैं इसे देख चुका हूँ, लेकिन भाई मैं तो इसे देख चुका था ना, अगर मैं उसी टाइम उतर के गोली मारता तो शायद ये कवर में चला जाता, ये मेरे को मार सकता था। तो मैं पहले गाड़ी घुमाता हूँ और भाई इजीली मार देता हूँ, तभी भाई सामने आता हूँ और भाई एक फुटस्टेप आ जाता है, मैं जल्दी गाड़ी घुमाता हूँ दोबारा। भाई दूसरा बंदा मेरे पे गोली चलाने लगता है। अबे मैंने सोचा था उसको इजीली मार देंगे, लेकिन मैं बंदा कवर में आ जाता है, जल्दी से इस पर एक मॉली करता हूँ और भाई गाड़ी लेकर पहले तो कवर पे जाऊंगा। ऐसा मेरे को दोनों बंदे की लोकेशन तो पता चल चुकी थी, लेकिन भाई मारने को कोई चांस नहीं था। मैं यहाँ पे जल्दी से एक हीलिंग करता हूँ। अब भाई सामने की तरफ से एक छोटी सी गलती, जिसकी वजह से भाई बंदे को लॉबी भेज देते हैं।
भाई साहब बंदे को मेरी गाड़ी फोड़ने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था। वो अगर मुझे मारता तो शायद मार सकता था, लेकिन भाई उसे मेरी गाड़ी फोड़नी थी। तभी भाई सामने जो मीटअप वाला बंदा होता वो आ जाता है। अब भाई यहाँ पे देखो वो मेरे लिए थोड़ा हेल्प करता है और मैं भी, लेकिन भाई यहाँ पे जो स्कैम होगा भाई वो आप देखना। वो बंदे को जितना स्मोक होता वो कर देता है, मैं अपने फूटा वो गाड़ी लेकर चला जाता हूँ, क्योंकि भाई सोलो में भाई कोई भी कहीं पे भी नागिन हो सकता। देखो भाई सब बंदे को जरा से भी टच भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, आवाज़ आई कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भाई यहाँ पे किल मैसेज आ जाता है कि भाई वो मर गया। और भाई यहाँ पे जल्दी से चलो मैच खत्म करते हैं। भाई साहब इस बंदे को बहुत ज़्यादा इजीली ड्रॉप शॉट मार के मार देता हूँ, लेकिन भाई बहुत बुरा लगा उस बंदे पे। भाई सही बता रहा हूँ, टच भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भाई बंदा मर जाता है। लेकिन भाई कोई बात नहीं, ये मैच आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई सबसे पहला तो भाई मॉन्स्टर फेरो को सिर्फ और सिर्फ 3 टिप्स यूज़ करके सोलो अकेला मारता हूँ, उसके लिए तो भाई 1 सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई, अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। और भाई दूसरा जो भाई उस बंदे को जो मारने जाता हूँ जिस सिचुएशन पर जिस हेल्प पर भाई सही में भाई, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है। और भाई ये जो लास्ट में बंदा मीटअप करने आता है और भाई स्कैम हो जाता है भाई, इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि भाई आप लोगों को ये मैच कैसा लगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ। तो भाई पहले तो आप सभी भाइयों का जो जो भाई लास्ट तक देख लियो, सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और हाँ मैं बहुत जल्दी भाई यूसी गिव अवे भी चालू करूँगा यार, आप लोग सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।